गुड मॉर्निंग गाइस तो आज हम देखेंगे कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे एक फंक्शन है पीयूष नाम का जो कि कुछ नहीं बस एक लॉग प्रिंट करा रहा है जो कि अपन स्ट्रिंग पास करेंगे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट्स है स्ट्रिंग टाइप का जो अपन ने पीयूष ही भेजा तो लेट्स रन इट नाउ सो यार आप देख सकते हैं कि पीयूष इज द आउटपुट फॉर द सेम एंड नाउ कॉल बैक फंक्शन तो यहाँ पे अपन एक कॉल बैक फंक्शन करते हैं उसका नाम रखते हैं कॉल बैक टी एंड ये कुछ नहीं करेगा सिर्फ रिटर्न करेगा एक टेक्स्ट हेलो कॉल बैक एंड यहाँ अपन पास करेंगे तो कॉल बैक फंक्शन यही होते हैं कि आप फंक्शन के आर्गुमेंट्स में एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कॉल बैक फंक्शन है ये पास कर दिया अब उनको फंक्शन की डेफिनेशन में भी इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड नाउ अपन यहाँ पे एक्स टूट टिजल्टू रिटर्न डेटा ऑफ द कॉल बैक फंक्शन एंड यहाँ पे जस्ट अपन लॉक करा लेंगे इसको तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कॉल फंक्शन मैंने कॉल बैक फंक्शन एज अ पास किया तो कॉल बैक फंक्शन यही होता है कि कोई दूसरा फंक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट की तरह पास हो सके तो लेट्स सी द रिजल्ट सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉल बैक फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट चले गए तो डेट्स इट कॉल बैक फंक्शन यही होते हैं थैंक यू सो मच